स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट हियर वी हैव टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन गिवन टू अस. तो हमें एक्सप्रेशन में तीन पार्ट्स दिए हैं. फर्स्ट इसको मानेंगे, सेकेंड इसको मानेंगे, थर्ड इसको मानेंगे. फर्स्ट वाले का सिंप्लीफिकेशन कैसे होगा, रैशनलाइज ही करना है हमें अगर सिचुएशन देखे तो. क्योंकि नीचे हमारे पास कैसे नंबर्स हैं, इरेशनल नंबर्स हैं. मल्टीप्लाई करोगे 10 माइनस रूट 3 से न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी, ठीक है. अब आपने क्या करना है, 7 रूट 3 को आप √10 से भी मल्टीप्लाई करोगे, √3 से भी मल्टीप्लाई करोगे. तो वैल्यू क्या हो गई आपकी, 7√30. सेकेंड वैल्यू क्या होगी आपकी, 7√3 को √3 से करोगे तो इट वुड बी 21. नीचे क्या आएगा आपके पास, √10 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर. तो वैल्यू में आपके पास क्या आना है, 7√30 माइनस 21. नीचे क्या आएगा, 10 माइनस 3 विच इज 7. इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देती हूँ. पहले में 7 कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, √30 बचा माइनस 3 बचा, नीचे 7, 7 से 7 कैंसिल. सेकेंड पार्ट देखते हैं अब हम. सेकेंड पार्ट में हमारा क्या है, 2√5 एंड √6 प्लस √5. मल्टीप्लाई करोगे √6 माइनस √5 को और डिवाइड भी करोगे. अब ऊपर वाली वैल्यू आपकी क्या आएगी, 2√5 को √6 से मल्टीप्लाई करो तो 2√30. 2√5 को माइनस √5 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा आपको, 10. नीचे क्या आएगा वैल्यू आपके, √6 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो इट वुड बी 1. ऊपर क्या हमारे पास, 2 कॉमन ले लो, √30 माइनस 5 बचा, ठीक है. अब ये सेकेंड पार्ट भी डन है हमारे लिए. अब हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट फाइंड आउट करना है. तो थर्ड पार्ट में आपने दिख रहा है आपको कि 3√2 है और नीचे √15 प्लस 3√2 है. तो 15 माइनस 3√2 से मल्टीप्लाई भी करोगे और डिवाइड भी करोगे तो ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3√2 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो इट वुड बी 45√2. सेकेंड वैल्यू क्या आएगी आपकी, 9 × 2 विच इज 18. नीचे क्या आएगा आपका, √15 है ना, सॉरी दिस इज √15. तो √15 को पहले एक मिनट चेंज करना पड़ेगा मेरे को, 3√2 और ये हो जाएगा हमारी वैल्यू 3 के साथ √30, ठीक है. 3 के साथ √30 आ गया. नीचे हमारी वैल्यू क्या आएगी, √15 का स्क्वायर विच इज 15 ओनली. 3√2 का स्क्वायर करोगे तो 9 × 2 = 18, ठीक है. तो वैल्यू आपकी नीचे वाली क्या बन गई, 3 कॉमन ले लो, ऊपर √30 बचा माइनस 6, नीचे माइनस 3 है ना, तो माइनस 3 से 3 कैंसिल, माइनस 1. और माइनस 1 को कैसे यूटिलाइज करोगे, √30 हो जाएगा और माइनस 6 पॉजिटिव नंबर हो जाएगा. ये हो गया आपका थर्ड पार्ट. तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है, √30 माइनस 3, माइनस का साइन आएगा सेकंड वाले से पहले, 2√30 माइनस 5 है और लास्ट वाला हमारा माइनस का साइन है, फिर माइनस √30 प्लस 6 है. तो √30 हो गया माइनस 3 हो गया माइनस 2√30 प्लस 2 × 5 विच इज 10 प्लस √30 माइनस 6. तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास रूट वाली वैल्यू तो कैंसिल ही हो रही है बिल्कुल, क्योंकि देखो √30 √30 2√30 हो गया. तो 2√30 से माइनस 2√30 कैंसिल ना, बचा क्या हमारे पास, माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9 होता है. माइनस 9 प्लस 10 कितना होगा, ओनली 1. सो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करने पे हमें आंसर क्या मिल रहा,